नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां दिल्ली के सभ्य समाज के लोग, स्टूडेंट, टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, अलग अलग समाज के जो सभ्य समाज के लोग हैं, एनजीओज के लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं यहां। क्योंकि जिस तरह से शनिवार को तिस्ता सीतलवाड़ी गिरफ्तारी हुई, मुंबई से गुजरात ATS ने उन्हें गिरफ्तारी करके उन्हें अहमदाबाद बाय रोड ले गई है, उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिरोध देखा जा रहा है। उसी कड़ी में आज दिल्ली में भी एक प्रतिरोध किया जा रहा है। इसी प्रतिरोध में आए लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे उनमें ये प्रतिरोध की जो भावना है वो क्या है, और उनके आगे इन प्रतिरोध के मायने क्या हैं, और सरकार से उनके क्या हैं सवाल। तीस्ता के ऊपर प्रोटेस्ट, सिर्फ तीस्ता एक इंडिविजुअल के ऊपर अटैक नहीं है, ये एक पूरे हालात, पूरे जो डेमोक्रेसी के लिए जो हमारा संघर्ष है, डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, उसके ऊपर अटैक है। सरकार की मुखालिफत करना डेमोक्रेसी में हर किसी शहरी का हक होता है। उस हक को छीनने की एक बर्बर कोशिश है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये कई मैसेजेस एक साथ दिए गए हैं। एक तरफ ये मैसेज दिया गया है कि अगर तुम कोर्ट जाओगे तो तुमको एक्यूज्ड बनाया जा सकता है, अगर तुम इंसाफ मांगने जाओगे तो तुमको ही वापस जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरे ये मैसेज है इसमें कि किसी मुसलमान के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है और वो कोर्ट जा रहा है तो उसके साथ अगर तुम खड़े हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में है। तीसरा मैसेज मुल्क को ये दिया है कि अब किसी भी बड़े आदमी से जो गद्दी पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ कोर्ट कोई बात कहने को तैयार नहीं। जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जिसको हम कम से कम अपनी जुडिशियल हिस्ट्री का सबसे बुरा जजमेंट मानते हैं, वन ऑफ द वर्स्ट जजमेंट्स, क्योंकि इस तरह का जजमेंट पहले कभी नहीं आया कि जो इंसाफ की गुहार करने गया है आप उसी को दोषी ठहरा दें और उसी को कहें कि जेल भेज दो, तो बहुत ही ये प्रॉब्लमेटिक जजमेंट है। और वो जाहिर है, दिख रहा है कि पहले से तैयारी थी कि 24 को जजमेंट आता है, 25 को गृह मंत्री का इंटरव्यू होता है, उसी दिन FIR भी हो जाती है, ATS मतलब अहमदाबाद से पहुंच के बम्बई तक पहुंच जाती है और रोड के रास्ते वापस भी ले जाती है। तो जाहिर है वो दे आर टारगेटिंग पीपल, तीस्ता को ख़ासतौर से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि तीस्ता ने लीगल बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इनको, जिसे कहते हैं कटघरे में खड़े करने के लिए। गुजरात में 2002 में दंगे हुए हैं, ये सच है। उस दंगे में मुसलमान की मौत हुई थी, ये सच है। और उन दंगों के बारे में गुजरात में हुए ट्रायल्स में कन्विक्शन भी हुआ, जिसमें तीस्ता का सबसे बड़ा रोल रहा और कई लोगों का उस कन्विक्शन को इंश्योर करने में सबसे बड़ा रोल रहा, ये भी सच है। और आज उस सच्चाई के लिए लड़ने के लिए तीस्ता को और साथ में श्री कुमार को और तमाम लोगों को हरास किया जा रहा है, ये भी सच है। आज हम जब सवाल उठाते हैं, आप जब हमारी हक की बात करते हैं, उसी को एक गुनहगारी के कटड़े में खड़ा किया जा रहा है, उसी को गुनहगार बताया जा रहा है। मतलब आप किसी भी रिपोर्ट को, इंक्वायरी रिपोर्ट हमें मान्य नहीं है, ये जो कहने का हमारा अधिकार है यही छीना जा रहा है। और ये बहुत ही निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि 75 साल आज़ादी के बाद में इस तरह का ऑर्डर इस देश में निकल सकता है ना। देखिए, इसके आगे का रास्ता आगे क्या होगा ये तो आपको किसी ज्योतिष के उससे पूछना पड़ेगा, वो बहुत सारे चैनलों पे आजकल यही करते हैं, बताते हैं आगे क्या होने वाला है। तो लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब तक प्रतिरोध की आवाज़ है वो आज क्षीण लग सकती है, लेकिन जब तक वो आवाज़ ज़िंदा है, जब तक उम्मीद ज़िंदा है, और आज से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा है, जब वो 3 लॉ लाए गए थे और जिनको वापस लेना पड़ा था, अभी ज़्यादा समय नहीं लाए गुज़रा है जब वो 4 साल की भर्ती शुरू की गई थी
और उसका जो विद्रोह मुल्क भर में हुआ वो वायलेंट हुआ, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा तो है, वो प्रतिरोध तो है। और तो जब तक ये प्रतिरोध की भावना है, जब तक उम्मीद कायम है।